घर कहीं भी लेना हो या हो बेचना, तो हर कोई इनकी देता है मिसाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल टीम सबरवाल, रियल एस्टेट का कोई सवाल टीम सबरवाल। फॉर एनी इन्फॉर्मेशन कॉल सौरभ सबरवाल 6478648844, दैट 6478648844, और विजिट teamsabarwal.com। योर सर्च एंड्स हियर। जी, और प्रोग्राम आप सुन रहे हो 91.9 आवर एफएम, और रियल एस्टेट का कोई सवाल पीके सबरवाल, और इंतजार की घड़ियां हुई खत्म, पीके साहब हमारे साथ हैं। वेलकम सर, हाउ आर यू? थैंक यू वेरी मच रणबीर जी, एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल आवर लिसनर्स। जी बहुत 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 धन्यवाद। और शुरुआत करेंगे हम मार्केट अपडेट के साथ पीके साहब। अभी साल खत्म होने को है, और वैसे तो जो चेंजेस होनी थी साल हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी क्या लग रहा है आपको कि अगले दो महीनों में क्या होने वाला, और क्या कैसे देखते हो आप मार्केट में, पिछले महीने में क्या फर्क पड़ा? जी, एक तो ये बात बड़ी क्लियर आ गई है कि ये मार्केट जो है बायर्स मार्केट हो गई है, टोरंटो की। ओके, ये बायर्स मार्केट हो गई है, ये बड़ी क्लियर बात हो गई है। इसकी रिपोर्ट भी आ गई है, और इसके जो डाटा आए हैं वो भी बड़ा, कई सालों के बाद ये जो है ये बायर्स की मार्केट हुई है। अब डिकेड्स के बाद उसका सीधा साधा एग्जांपल जो है इस फिगर से मिलता है जो मैं कहने जा रहा हूँ। मैं बात इसको टोरंटो की कर रहा हूँ, कई लोग इसको पूरे कनाडा का मैं समझ ले, मैं टोरंटो की बात कर रहा हूँ। ये बायर्स मार्केट जा चुकी है, उस सेगमेंट में जा चुकी है। सेल जो है 5.8% जो हो वो डाउन हुई है जी, नंबर एक, ये बात अक्टूबर की हो रही है। और जो लिस्टिंग है 38% ज्यादा हो गई है, 38% लिस्टिंग ज्यादा और सेल 5.8% कम का मतलब ये हो गया कि सेलर मार्केट में बैठा रहने के लिए पर बायर लेने को तैयार नहीं जी। सिंपल वेरी सिंपल। और ये जो है बायर्स की मार्केट जो अभी हो रही है, ये बायर्स मार्केट हो गई है। इसके साथ साथ मैं दो छोटी छोटी खबरें और बताना चाहता हूँ बड़ी इम्पोर्टेंट जी। एक तो रूममेट लिस्टिंग के अंदर 40% जंप आ गया, रूममेट लिस्टिंग। अब ये रूम में लिस्टिंग क्या है, ये अकोमोडेशन, ये खास करके ओंटारियो, बीसी, अल्बर्टा और क्यूबेक के अंदर आई है। 40% से ज्यादा 42% इसके अंदर ग्रोथ आ गई है। सीधा सा इसका कारण ये है कि अब लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। ओके, तो रूम के हिसाब से वो लिस्टिंग हो रही है। अभी एक रूम इतने का, दूसरा रूम इतने का, कहाँ पर ये पहले एक एक रूम 400-500 डॉलर में होता था, और अब इसके अंदर 19% का जंप आ गया। अभी 964 डॉलर के एवरेज में रूम मेट लिस्टिंग का रिवाज आ गया, क्योंकि अब देखो ना रणबीर जी, ये सुनने में आता है कि लोग सड़कों पे आ गए, उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, किराए के लिए घर नहीं है, पैसे नहीं दे पा रहे, टेंट लगाने शुरू कर दिए, तो क्या होगा, ये बहुत ही बुरा हाल है। और दूसरी तरफ से अगर हम एक और फिगर अगर देखें जी, वो ये फिगर है टोरंटो और वैनकूवर के अंदर जो रेंट बढ़ रहा था, उसकी जो जोश वो ठंडा होता हुआ नजर आ रहा है। वो हमने लास्ट वीक भी आपके प्रोग्राम में बात की थी, बिल्कुल, कि रेंट के अंदर थोड़ा सा हमें माइल्डनेस नजर आई है, रेंटल मार्केट में स्लो डाउन नजर आया है, और इसका जंप जो है वो डिप हुआ है। ये नहीं मैं कह रहा कि रेंट नीचे चला गया है, जंप डिप हुआ है, क्योंकि साथ साथ 8-9% का जंप था, वो डिप होकर 0.2% मतलब ना के बराबर रह गया जंप, विच इज आई वुड से ए गुड साइन, क्योंकि दो साल का लोएस्ट जंप है पिछले दो सालों का। आई थिंक इट इज ए वेरी गुड साइन। ये तीन खबरें जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो मैं शेयर करना चाहता था। जी बिल्कुल ठीक है। और आप कोई भी आपका सवाल है और प्लीज आप मुझे टेक्स्ट कर दें, या फिर आप स्टूडियो में कॉल करें 416-919-0008, और नंबर मेरा है 416-910-2000, और पीके साहब को बाद में बात करने के लिए नंबर 6472-994-757। और जैसे आपने कहा पीके साहब, बायर मार्केट है, और एक सेलर का मैसेज था, कहता जी हमें राहत कब मिलेगी, सेलर मार्केट कब होगी। वाह, इन्होंने इतनी मौज कर ली सेलर मार्केट, अभी भी तो चाहिए सेलर मार्केट। हमारे कब राहत मिलेगी, मैं तो कहता हूँ कि बाहर इस वक्त बाहर तो राहत मिलनी चाहिए, क्यों रणबीर जी, मैं गलत तो नहीं कह रहा ना? बिल्कुल सही कह रहे सर। सेलर की मार्केट रही, और इतनी बड़ी सेलर की मार्केट रही कि लोगों का 5-5 लाख का घर 1.2 मिलियन का हो गया। हाँ। और अब हम कहेंगे कि हमें कब राहत, नहीं जी, बहुत राहत मिल गई, अब थोड़ी सी मेरे हिसाब से बाहर को राहत चाहिए। सॉरी टू से, लेकिन मैं मजबूर हूँ जी। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। हाँ, एक और मैसेज बड़े लंबा चौड़ा आया था मुझे, टेक्स्ट मैसेज तो कुछ लोगों ने किए, और उन्होंने कहा जी मेरे के पास एक प्रॉपर्टी है, कहते मैं अपनी सिर्फ बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत बड़ा इन्वेस्टर नहीं हूँ, लेकिन एक प्रॉपर्टी है मेरे पास सेमी रिटैच हाउस ब्रैम्पटन में, और ब्रैम्पटन मिसागा रोड और वॉलनस के पास है,
और कहते कि मॉर्गेज मुझे इतनी महंगी मिल रही है कि मेरे खर्चे जेब से जा रहे हैं पैसे, तो मेरी 8860 की तो मॉर्गेज ही है, राइट, तो जेब से पैसे जा रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए, बेचूं के वेट करूं, क्या करूं? नहीं, मेरे को थोड़ी सी ना बातें एक बात क्लियर करनी है इनके साथ कि ये जो इनका प्रॉपर्टी है इनकी जेब से पैसे जा रहे हैं, पर कितने जा रहे हैं? अराउंड डिपेंड करेगा बेचना कि नहीं बेचना। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसका, मैं खुद ही दे देता हूँ, अगर ये जॉब लाइन का आता जी, कि फॉर एग्जांपल इनका प्रॉपर्टी है और उसके ऊपर मान लो इनकी मॉर्गेज वगैरह जा रही है, सपोज करो $5,000 महीना जी, और उसके ऊपर और खर्चा इनका आ रहा है $1,500 पर मंथ, मान लीजिए प्रॉपर्टी टैक्स हजार से नहीं होना चाहिए मेरे साहब, चलो हजार मान लेते हैं, 6,000 महीने का इनका खर्चा आ रहा है, मान लीजिए इनको जो रेंट आ रहा है दोनों ऊपर नीचे मिला के मान लीजिए 5,000 आ रहा है, तो इनकी जेब से $1,000 महीने का जा रहा है, इनको ये फिक्र है कि मेरी जेब से $1,000 महीने का जा रहा है। बिल्कुल सही। मैं इन भाई साहब को ये बात समझाना चाहता हूँ कि जो $5,000 इनकी मॉर्गेज जा रही है, अगर मैं ये नहीं मुझे पता इनकी वेरिएबल है या फिक्स है, लेकिन मैं एक एवरेज मान लेता हूँ लगभग 45%, तो यानी कि लगभग $2,200 इनका कर्जा हर महीने उतर रहा है, वो उतर रहा है, हाँ, डाउन जा रही है, ठीक है, हर महीने वो टेनेंट इनका कर्जा उतार रहा है $2,200 और $1,000 इनकी जेब से जा रहा है, तो इन भाई साहब को फिर भी $1,200 महीने का फायदा हो रहा है, तो इनको नहीं बेचनी चाहिए जी। अब इसके ऊपर मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा कि जो $1,000 इनका जो माइनस कैश फ्लो हो रहा है, देखा जाए तो टैक्स में भी तो बच रहा है, क्लेम भी तो कर रहे हैं ना अपना एक्सपेंस आ रहा है, टैक्स में भी तो क्लेम कर रहे हैं ना सब कुछ, ठीक है, तो वो भी तो काउंट करो बीच में, ओके, राइट, तो ये इसका डिफरेंट कैलकुलेशन होती है इन्वेस्टमेंट्स के अंदर जी रणवीर जी, कि जो इंटरेस्ट है वो हम सारा प्रॉपर्टी टैक्स है, इंटरेस्ट है, ये लोग हम टैक्सेशन के अंदर क्लेम करते हैं एज ए खर्चा, मैंने भी कैलकुलेट करके बताया, तो इसीलिए जो आदमी कहता है जी माइनस कैश दो, मुझे फिक्र है मैं भेज दूं, वो इन्वेस्टर नहीं है, इनको मैं ये बताऊंगा कि जैसे अभी न्यूज आ रही है कि अप्रैल के बाद इंटरेस्ट नीचे आने शुरू हो जाएंगे, बड़ी बहुत बहुत ज्यादा क्लियर कॉन्फिडेंस और क्लियर वर्डिक्ट दिया है, क्लियर मैसेज दिया है बैंक ऑफ कनाडा ने भी और कई अलग बैंकों ने, तो ये वो आपका गाना तो आपकी आवाज है भी सुंदर, बुरे दिन गए अरे भैया, ठीक है जी रंजीत जी, आपको मैं आजकल सुनता हूँ, आप बीच में गाते बड़ा अच्छा है, बीच बीच में आप, अरे सर थैंक यू, जो प्रोग्राम देते हो शाम को, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उसके अंदर आप पुरानी स्टोरी भी सुनाते हो उस गाने के ऊपर, बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा अच्छा लगा सेगमेंट आपका, अरे सर थैंक यू सो मच, रियली वी आर ऑनर्ड, हाँ जी बस कोशिश कर रहे हैं सर, कुछ पैशन है और म्यूजिक आपको तो पता है, तो साथ साथ में हमने शुरू किया कि साथ साथ उनके बारे में गीत बना कैसे और कैसे पिक्चराइज हुआ, कैसे उसका म्यूजिक दिया गया, वो थोड़ी सी स्टोरी हम बताते हैं उसके बाद, बहुत अच्छी बात बताई, ये बिनाका गीत माला में बहुत बचपन में हम सुना करते थे जी, अमीन सियानी साहब ऐसी स्टोरी सुनाया करते थे जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बस वही स्टार्ट, आपने बहुत अच्छा किया काम, मेरे को दिल लग जाता है, बल्कि मैं उस दिन जा रहा था कहीं, अच्छा जगह पहुंच गई, पर आप किसी गाने के बारे में कुछ किशोर कुमार का कुछ बता रहे थे, कुछ किशोर कुमार के गाने के ऊपर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो मैंने गाड़ी रोक ली 2 मिनट पार्क के अंदर, मैं कहते बात पूरी हो रही तो पहले, अच्छा पूरी बात सुनते हैं, अच्छा क्या बात है, बांध लिया उस बात को, अरे थैंक यू सर, थैंक यू रियली, वी आर ऑनर्ड, अच्छा वो जो बात चल रही थी उससे थोड़ा सा उन्होंने मैसेज एक और किया है, वो कहता है कि मेरी जो मॉर्गेज का पता नहीं क्या सिस्टम है और मॉर्गेज मेरी बढ़ रही है, जैसे डाउन नहीं जा रही, आपने कहा ना, तो कहते मैंने 8.5 की मॉर्गेज लिख रही तो ली थी और आज 8.5 के ऊपर $7,000-8,000 एक्स्ट्रा बढ़ गया उसकी मॉर्गेज, वेरिएबल लिए वेरिएबल ली हुई है, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा था, उनका भी बढ़ता जा रहा है साथ साथ ना, तो ये सारा क्लेम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस गिरी हुई मार्केट के अंदर पब्लिक क्यों भेजू, तो अभी मैंने फिगर दी जी कि 38% लिस्टिंग बढ़ गई और 5.8% सेल घट गई, तो ऐसी मार्केट के अंदर क्यों बेचना मुझे समझ नहीं आती, विश्वास बल्कि ऐसी मार्केट में तो खरीदा जाता है, देखो हम लोग तो ऐसी मार्केट में खरीदते हैं, जब 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 लोग पैनिक होकर बेच रहे होते हैं तो हम खरीद रहे होते हैं, और जब लोग पैनिक होकर खरीद रहे होते हैं तो हम बेच रहे होते हैं, जब बिल्डर के आगे हम लोग लाइन लगाते हैं तो मैं बेचना बंद कर देता हूँ, जब हमारे आगे बिल्डर लाइन लगाते हैं हम खरीदना शुरू कर देते हैं, सिंपल की बात, बिल्कुल ये सिंपल एक थंब रूल है इन्वेस्टमेंट का जी जी बिल्कुल, और पीके साहब का नंबर नोट कर लें 6472994757, और जैसे आपने बताया अभी वो थोड़ा कॉन्डो मार्केट के बारे में पूछना चाहते हैं कि कॉन्डो मार्केट के बारे में थोड़ा सा अपडेट करें कि कौन से एरिया में हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और कॉन्डो कहते हैं हमने जो एक बार कहते हैं कि अब बड़े पुराने लिसनर जी आप, उनका नाम उन्होंने अमीन करके बताया उन्होंने अमीन, और कहते मैं बड़ा पुराना इनका फैन हूँ लिस्नर हूँ, आपके लिए टिप दिया था कि कॉन्डो 5 से 7 साल के ज्यादा नहीं रखना चाहिए, कहना मैं क्या करूँ, आप उसको बेच के नया लूँ क्या करूँ? हाँ देखो ना, मैंने 5 साल बोला है, लेकिन 7 साल की 13 की वारंटी होती है ब्रांड के अंदर, तो आप 7 साल तक जा सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि 5 साल की कसम खा दी, हम 5 साल की होल्डिंग कैपेसिटी इसलिए बोलते हैं कि 5 साल से ज्यादा कभी ये इस
तक मैं रजिस्ट्रेशन नहीं रहता, साल सवा साल एक साल छह महीने दस महीने में निकल जाता है। तो हम उस वक्त अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड कर लेते हैं। जब मेरी इन्वेस्टमेंट, मेरी खुद की घर की कीमत नहीं, मेरी इन्वेस्टमेंट जब तीन गुना हो जाती है तो मेरा टारगेट हो जाता है उसको बेचने का। और ये तीन गुना का टारगेट सात साल से पहले पहले आ जाता है। मान लीजिए मैंने कोई चीज बुक करी छह लाख की और मैंने उसके ऊपर 15% दिया या एक लाख दिया, तो अगर मान लीजिए वो जो छह लाख की है वो अगर जिस वक्त वो आठ लाख की हो जाती है तो मेरा पैसा तीन गुना हो गया, क्योंकि मैंने तो एक लाख दिया था जी। तो वो टाइम होता है बेचने का। तो क्योंकि पैरियन की वारंटी खत्म होने के बाद इनके खर्चे बढ़ जाते हैं, मेंटेनेंस बढ़ जाती है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं सात साल ज्यादा ना रखूं, क्योंकि इनके अगर पांच साल हुए हैं तो इनका अभी भी दो साल है। और कसम खाने वाली बात यह कि सात साल में ही बेचना है। मार्केट जैसे अभी ठीक होने वाली है, अब ना बेचें, रोक लें। मार्केट ठीक होने वाली है 24 में बात करेंगे, 24 नहीं तो 25 में बात करेंगे, अमीन साहब को बता दीजिए, तब बेचेंगे। और ये होल्डिंग कैपेसिटी, इसलिए बोलता हूँ यू हैव टू हैव होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ मिनिमम 5 years जी। और जो लोग कहते हैं जी मैंने पांच साल की होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, कम है, तो मैं उनको सलाह देता हूँ कि आप इन्वेस्टमेंट करो ही मत। जैसे कई बार मेरे पास आते हैं लोग, वो कहते हैं जी मेरे पास एक लाख डॉलर है इन्वेस्ट कर दो, और मुझे तीन साल के बाद चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि मैंने बेटे को यूनिवर्सिटी के लिए मैंने उसको फीस देनी है। तो मैं कहता हूँ रुक जाओ, मत इन्वेस्ट करो, क्योंकि ये ना हो कि इस तीन साल के बाद मार्केट में रिसेशन आ जाए और आपके बच्चे की आप फीस ना दे सके, उस बेचारे का फ्यूचर खराब हो जाए। तो आप इन्वेस्टमेंट के लायक नहीं हो, आप मत करो इन्वेस्टमेंट। तो ये कैपेसिटी जो होती है होल्डिंग कैपेसिटी, वो अपने किसी आने वाले फ्यूचर के खर्चे के ऊपर मत डिपेंड करो। अगर आप उस पैसे को भूल सकते हो तब इन्वेस्टमेंट करो, पैसा पैसा कमा के देगा। जितना पैसे के पीछे भागोगे वो पैसा उतना आगे भागेगा। एक कहावत है रणबीर जी, जी। सुना दूं एक मिनट। बिल्कुल बिल्कुल सुनाओ सर। ये पैसा है ना, ये कुत्ते की पूंछल है, डॉग की पूंछल है पैसा। अच्छा। तो कुत्ता उस पूंछल को पकड़ने की कोशिश करता है तो देखा आपने, गोल गोल घूमता और वो पकड़ नहीं सकता उसको। क्या पूंछल को है ना, क्या बात। जब वो थक कर चलना शुरू करता है तो पूंछल उसके पीछे फिर चलना शुरू कर देती है। हाँ। तो पैसा वो है। अरे वाह। जितना आप उसके पीछे भागोगे पैसा और दूर भागेगा, जितना आप वाइज डिसीजन लोगे पैसा आपके पीछे पीछे चलना शुरू हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। और पीके साहब का नंबर है 6472994757। और पीके साहब आप 2024 एक मैसेज और आया, और सुरेंद्र जी का, वो कहता है 2024 आप कैसे देख रहे हो एज ए इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, एज ए बायर पॉइंट ऑफ व्यू। 2024 पहला हाफ भी नहीं कहता मैं, अब तो अप्रैल कह लो, पहले चार महीने ये के बाद आपको संभलता हुआ नजर आ जाएगा। अप टू अप्रैल मुझे लगता है कि मार्केट बायर से ज्यादा थोड़ा बहुत कम होगी, बढ़ेगी लेकिन रहेगी बायर की तरफ, या थोड़ा बहुत बैलेंस की तरफ जाएगी पर पूरा बैलेंस नहीं होगी। पर अप्रैल के बाद ये बैलेंस होती नजर आएगी और बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ 24 ये मार्केट बहुत सुथरी साफ सुथरी हो जाएगी। और तब तक दो बार कम से कम इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे, तीन बार भी आ सकते हैं। बेंजामिन ताल साहब ने कहा है कि शायद तीन बार भी आ जाए, और इनका टारगेट है कि 2025 तक ओवरनाइट रेट ये 3% से लेकर 4% के बीच में लेकर आए बैंक ऑफ कनाडा का। लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि उनको लग रहा है कि ये इंटरेस्ट रेट ओवरनाइट 2-3% के बीच में बाय द एंड ऑफ 25 आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सेकेंड हाफ ऑफ 24 विल बी द टाइम टू वॉच द रियल स्टेट, इंटरेस्टिंग होगा। मतलब उतार चढ़ाव रहेगा, क्योंकि मैंने कहा शुरू के चार महीने थोड़ा उतार है फिर चढ़ाव है। यस, ये मार्केट वॉच करनी बहुत जरूरी है, कोई जल्दबाजी मत करिए किसी। अभी मैं कल की बात बताता हूँ, कल की ही बात है कि हमारे एक क्लाइंट ने, हमारे एक एजेंट बाय कर रहे थे, उसके ऊपर 12 ऑफर आ गई कल, 12। रियली? वाओ। कल 12 ऑफर आई, उन्होंने कम लिस्ट किया हुआ था, पर जब हमने सीएमए निकाला तो हमारा सीएमए 1.2 मिलियन से ज्यादा नहीं आया, उन्होंने लिस्ट किया हुआ था मकान को 1 मिलियन का जी। तो अब मैंने अपने क्लाइंट को और अपने एजेंट को कॉन्फ्रेंस कॉल में बोला कि मैं 1.2 मिलियन से ऊपर इसकी कीमत नहीं दूंगा, मिले ना मिले। वो भाई साहब कहते हैं जी मैं तो इसको 1.25 ही दे दूंगा, बायर कहते हैं। तो मैंने कहा जब आप 1.25 दोगे, एक बात का ध्यान रख लेना कि जब इसका अप्रेजर होगा और अप्रेजर में अगर मान लो इसकी कीमत 11,75,000 निकल गई, जेब से आपको 75,000 लाके देने पड़ेंगे। दे दोगे आप? कहते नहीं। तो मैं कहा नहीं देंगे। वो घर हमें नहीं मिला कल, मुझे बहुत खुशी हुई, नहीं मिलना था। मैंने कल ही कह दिया था एक 1.3 के पास जाएगा, 1.2 बजे ऊपर जाएगा, लेकिन मिलता है तो नहीं लेना क्योंकि अप्रेजर। साथ में मैंने मॉर्गेज ब्रोकर को भी अटैच कर दिया कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर कि देखो क्या आप तैयार हो 75,000 से $1,00,000 जेब से देने के लिए, बैंक अगर इसके अप्रेजर कम कर देगा। कहते नहीं। मैंने कहा ये बात होगा सर? कहते हमें तो कोई रियलिटी बात बताता नहीं। मैंने कहा जी वो रियलिटी उनके साथ, आप अपने साथ, हमारे साथ, सच्ची बात सीधी बात। तो ये मार्केट इस सिस्टम में चल रही है इस वक्त।
जी बिल्कुल, और पीके साहब का नंबर है 6472994757, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और एक मैसेज मुझे और आया, कहता जी मेरी क्लोजिंग है नेक्स्ट ईयर अक्टूबर में लेक शोर पे, जो वाटर काउंटर्स समथिंग लिखा नाम उन्होंने, तो लेक शोर ब्राइट वाटर की बात कर रहे हैं हाँ शायद, हाँ लेक शोर पे है, तो अक्टूबर में क्लोजिंग है, तो अक्टूबर तक यदि मार्केट ठीक होता तो शुड आई सेल इट बाय अदर प्रॉपर्टी और शुड आई क्लोज इट? हाँ, तो कहते हैं या तो बाहर बाहर से ही पहले भेज दूँ, बाहर से भेज दूँ, क्लोजिंग से पहले भेज दूँ? क्लोजिंग से पहले वो फिर देखो दो बातें हैं ना, इनको बता दे, अगर क्लोजिंग से पहले भेजते हैं मान लीजिए तो इनके ऊपर जो है वो टैक्स की प्रॉब्लम आ जाएगी। असाइनमेंट के अंदर आजकल सीआरए बहुत सख्त हो चुका है, इनका 60% तक टैक्स चला जाएगा, 47% टैक्स लग जाएगा, ऊपर 13% को एसएसटी लग जाएगी। अगर ये रोक सकते हैं तो मैं इनको सलाह दूंगा, अगर फंसे हुए हैं तो फिर कोई तरीका ही नहीं है हमारे पास, कोई तरीका ही नहीं है हमारे पास, तो ठीक है जी अब क्या कर सकते हैं हम लोग। बिल्कुल जी, और पीके साहब कोई प्रोडक्ट आप प्रमोट करना चाहते हैं अभी कोई रिसेंटली गाइड करना चाहते हैं कौन सा लेना चाहिए? जी हमारे पास क्योंकि हमने 5 तारीख को बहुत बड़ा एक वन डे इवेंट किया था और वो इवेंट बहुत ज्यादा कामयाब रहा था, मैं उसी इवेंट को दोबारा अब सिर्फ फ्यूजन रियलिटी एक्सपर्ट्स के जो हमारे एजेंट्स हैं उन्हीं के लिए ये मैं वन डे इवेंट रख रहा हूँ और इसके अंदर बहुत बड़े बड़े $4,00,000 तक के डिस्काउंट्स में लेकर आ रहा हूँ, आप सोच लीजिए क्या क्या हाल होगा। उसमें लो रेंज भी है, हाई रेंज भी है, मतलब ऐसे ऐसे मैं घर जैसे फ्री होल्ड टाउन होगा मान लीजिए वो ऐसे ला रहा हूँ कि इसके अंदर 2 अपार्टमेंट है और दोनों एयरबीएनबी के लिए बिल्डर बना के देगा आपको और आपका कैश फ्लो 1,000 से लेकर 4,000 तक महीने का होगा, डिपेंड करता है कितना बड़ा आप ले रहे हो, और कीमत 8.5 लाख के आसपास, उसके ऊपर भी मैं आपको मोटे मोटे डिस्काउंट 40,000-50,000 के डिस्काउंट भी दिलवा दूंगा बिल्डर से। यानी कि सोचिए अगर आप $8,00,000 खर्च कर रहे हैं उसमें आपको 2 घर मिल रहे हैं, 1 घर के अंदर 2 लीगल अपार्टमेंट मिल रहे हैं और पानी के ऊपर मिल रहे हैं, 2 मिनट्स टू वाटर, आप क्या कैसे क्या समझेंगे उसके, कोई छोड़ सकते हो? बहुत हाई डिमांड है, बहुत जबरदस्त, इस किस्म के प्रोजेक्ट बहुत लेकर आ रहा हूँ मैं और हाई रेंज बहुत लेकर आ रहा हूँ, वन डे सेल इवेंट है और इसमें आप हमें रजिस्टर करिए, न्यूजन रियल्टी एक्सपर्ट्स के हमारे एजेंट है उनके लिए है, और कोई ब्रोकर इसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन हम कोऑपरेट कर रहे हैं अगर कोई और ब्रोकर जाना चाहे तो। बहुत प्रोजेक्ट है, इसके लिए टैक्स का जाके रजिस्टर कर दीजिए 6472994757, 6472994757, आपको कॉल करके रजिस्टर कर दिया जाएगा और ये 18 तारीख को है फ्रॉम 12 to 6। थैंक यू वेरी मच रणबीर जी। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया पीके साहब, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू जी।